दोस्तों, हीरो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी इंडिया की सबसे पॉपुलर एंड ट्रस्टेड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी में से एक है, जहां पर आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में काफी लंबा ड्राइविंग रेंज प्रोवाइड करने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों, 2023 में कंपनी की तरफ से कुछ न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च किया गया है, जहां पर न्यू टेक्नोलॉजी वाला मोटर एंड बैटरी का यूज किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग अगर रिसेंटली 2023 में हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी का कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, जान लेते है हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी का सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मॉडल्स एंड वेरिएंट्स के बारे में, जानेंगे इन सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का मोटर, बैटरी एंड ड्राइविंग रेंज क्या है, और इसी के साथ साथ जानेंगे इन सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का ऑन रोड प्राइस के बारे में। कंपनी का फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बात की जाए, जिसका नाम है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX, जो कि सिंगल एंड डुअल बैटरी वेरिएंट के साथ आता है। स्कूटर का मोटर, बैटरी एंड ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 51.2 वोल्ट 30 AH का लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसको चार्ज करने में 4 से लेकर 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। मोटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1200 वाट का BLDC मोटर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 45 KMPH तक का टॉप स्पीड प्रोवाइड करवाता है। ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो ऑप्टिमा CX सिंगल बैटरी में आपको 82 किलोमीटर पर चार्ज का ओवरऑल ड्राइविंग रेंज देखने को मिल जाता है। वहीं पर ऑप्टिमा CX डुअल बैटरी मॉडल वेरियंट में आपको 140 किलोमीटर पर चार्ज का ओवरऑल ड्राइविंग रेंज प्रोवाइड करवाता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो ऑप्टिमा CX सिंगल बैटरी का ओवरऑल ऑन रोड प्राइस है 71,500 रुपीज। वहीं पर ऑप्टिमा CX डुअल बैटरी वेरिएंट का ओवरऑल ऑन रोड प्राइस है 90,100 रुपीज डेली शोरूम के हिसाब से। दोस्तों, कंपनी का सेकेंड इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन LP, जो कि काफी सालों से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी सेल कर रहा है इंडियन मार्केट में। मोटर, बैटरी एंड ड्राइविंग परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 72 वोल्ट 26 AH का लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसको चार्ज करने में 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। मोटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1800 वाट का BLDC मोटर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 45 KMPH तक का टॉप स्पीड प्रोवाइड करवाता है। ओवरऑल ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप एक बार फुल चार्ज करने पर 90 किलोमीटर तक चला सकते हैं। प्राइस की अगर बात की जाए तो हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन LP इलेक्ट्रिक स्कूटर का ओवरऑल ऑन रोड प्राइस है 89,500 रुपीज डेली शोरूम के हिसाब से। दोस्तों, कंपनी का थर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है हीरो इलेक्ट्रिक ID, जो कि एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जहां पर आपको 51.2 वोल्ट 30 AH का लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसको चार्ज करने में 4 से लेकर 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। मोटर की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको 250 वाट का BLDC मोटर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 85 किलोमीटर पर चार्ज का ओवरऑल ड्राइविंग रेंज प्रोवाइड करवाता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो हीरो इलेक्ट्रिक ID 2023 मॉडल का ओवरऑल ऑन रोड प्राइस है 75,500 रुपीज डेली शोरूम के हिसाब से। दोस्तों, कंपनी का नंबर 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश LX। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर की कैटेगरी में आता है, जहां पर आपको 250 वाट का BLDC मोटर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 25 KMPH तक का टॉप स्पीड प्रोवाइड करवाता है। बैटरी की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको 51.2 वोल्ट 30 AH का लिथियम आयन बैटरी लगाया गया है, जिसको चार्ज करने में 4 से लेकर 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। ओवरऑल ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप एक बार फुल चार्ज करने पर 85 किलोमीटर तक चला सकते हैं। अब दोस्तों, प्राइस की अगर बात की जाए तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश LX 2023 मॉडल का ओवरऑल ऑन रोड प्राइस है 63,500 रुपीज डेली शोरूम के हिसाब से। दोस्तों, कंपनी का नंबर 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है हीरो इलेक्ट्रिक अट्रिया LX। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसा ही सेम बैटरी एंड स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको 85 किलोमीटर पर चार्ज का ओवरऑल ड्राइविंग रेंज एंड 25 KMPH तक का टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो 2023 हीरो इलेक्ट्रिक अट्रिया LX इलेक्ट्रिक स्कूटर का ओवरऑल ऑन रोड प्राइस है 81,500 रुपीज डेली शोरूम के हिसाब से। दोस्तों, कंपनी का नंबर 6 इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है हीरो इलेक्ट्रिक NYX। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी का सबसे पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर में से एक है, जहां पर आपको 42 KMPH तक का टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। स्कूटर में आपको 51 वोल्ट 30 AH का डबल बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसको चार्ज करने में 4 से लेकर 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप एक बार फुल चार्ज करने पर 138 किलोमीटर तक चला सकते हैं। प्राइस की अगर बात की जाए तो हीरो इलेक्ट्रिक NYX इलेक्ट्रिक स्कूटर का ओवरऑल ऑन रोड प्राइस है 89,800 रुपीज डेली शोरूम के हिसाब से। अब दोस्तों, कंपनी का नंबर 7 एंड लास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा 2.0 एंड 5.0। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी की तरफ से रिसेंटली 2023 में लॉन्च किया गया है, जहां पर कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी वाला मोटर एंड बैटरी का यूज किया है। स्कूटर का स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो दोनों ही मॉडल वेरिएंट में आपको अलग अलग मोटर, बैटरी एंड ड्राइविंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। ऑप्टिमा 2.0 में आपको 2 kWh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसको चार्ज करने में 4 से लेकर 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। वहीं पर ऑप्टिमा 5.0
2.0 में आपको 3kWh का बैटरी दिया गया है, जिसको चार्ज करने में 6 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। मोटर की अगर बात की जाए तो ऑप्टिमा 2.0 में आपको 1200 वाट का BLDC मोटर देखने को मिल जाता है, वहीं पर ऑप्टिमा 5.0 में आपको 1900 वाट का BLDC मोटर को प्रोवाइड किया गया है। टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो ऑप्टिमा 2.0 में आपको 48 kmph तक का टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है, वहीं पर ऑप्टिमा 5.0 में आपको 55 kmph तक का टॉप स्पीड प्रोवाइड करवाता है। ओवरऑल ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा 2.0 में आपको 89 किलोमीटर पर चार्ज का ओवरऑल ड्राइविंग रेंज देखने को मिल जाता है, वहीं पर ऑप्टिमा 5.0 आपको 113 किलोमीटर तक का ओवरऑल ड्राइविंग रेंज प्रोवाइड करवाता है। अब दोस्तों प्राइस की अगर बात की जाए तो 2023 हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा 2.0 इलेक्ट्रिक स्कूटर का ओवरऑल ऑन रोड प्राइस है 1,10,000 रुपीस, वहीं पर ऑप्टिमा 5.0 का ओवरऑल ऑन रोड प्राइस है 1,35,500 रुपीस डेली शोरूम के हिसाब से। तो दोस्तों ये था हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी का सभी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस लिस्ट एंड स्पेसिफिकेशंस। आप लोग चाहे तो शोरूम में जाकर इस कंपनी का किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंक्वायरी कर सकते हैं खरीदने के लिए इस वीडियो के मदद से। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।